खेलते बच्चों को देखना पसंद है मुझे. यहाँ बैठना ऐसे अच्छा लगता है. लाइफ में सब कुछ है, बस इस एक सुख के लिए तरसता हूं. मिस करता हूं उन्हें बहुत. अजी डिनर तो कब का रेडी है, लेकिन ये इंजन ड्राइवर राहुल साहब ट्रेन रोकने को ही तैयार नहीं है. आपने खा लिया? बस चल रहा है. क्या बनाया है? वही यूजुअल नूडल्स. कितनी बार कहा है आपसे, अगर खुद बनाने का मन नहीं करता तो कोई टिफिन सर्विस कर लो या बावर्ची तो रख लो. ये रोज रोज का नूडल्स वगैरह ठीक नहीं है. ये रोज रोज का अकेलापन उससे भी ज्यादा ठीक नहीं है निशा. विनय, हम फिर उसी बात पर अटक रहे हैं. आप जानते तो हैं मुझे पटना रास नहीं आता. आप रांची ट्रांसफर ले लो ना. बैंक जॉब्स में ट्रांसफर मिलना नूडल्स थोड़ी ना है कि दो मिनट में हो जाए. तुम जानती हो हमें हमारी मर्जी से ट्रांसफर नहीं मिलता. आप भी तो जानते हैं अब पहले जैसा तो है नहीं कि हम दोनों ही थे, दो बैग्स बांधे और हर पोस्टिंग्स पर साथ साथ जाते. सुनो, कल पार्क में बैठा था, बच्चों को खेलते देख रहा था. नए टाइप का टॉय हेलीकॉप्टर आया है, रिमोट वाला. अपना राहुल देखेगा तो बिल्कुल क्रेजी हो जाएगा. उसके लिए खरीद देना. ओके, हर महीने कोई ना कोई कीमती खिलौना खरीद के रख देते हो आप. बिगाड़ के रख दोगे इससे, मैं कह देती हूँ. नहीं बाबा, ये बस मेरी खुशी के लिए. ले देना. ओके, अच्छी बात है. बीवी बच्चा होने की खुशी, उनसे दूर होने का दर्द, दोनों जज्बात मेरे अंदर उधम मचाते हैं. एक डर सा मंडराता है कि हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे मुझसे. शायद दूर हो चुके हैं मुझसे. सर, मैं कल भी गया था उनके घर पर, डोरबेल बजाई, दरवाजा खटखटाया और आवाज भी लगाई, कोई रिस्पांस नहीं मिला. और पड़ोसी? सभी से पूछा, किसी को नहीं पता निशा भाभी और राहुल कहाँ हैं. नहीं जी, मुझे तो कुछ कहा नहीं निशा ने कि कहीं बाहर जा रही हैं. कल सुबह तक तो मैं दोनों को देखा था. मैं 15 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है अंदर से. फोन किया आपने? फोन तो कल से स्विच ऑफ है, तभी तो उनके पति विनय ने मुझे यहाँ भेजा पता करने के लिए. अभिषेक, निशा का फोन पिछले 2 दिनों से स्विच ऑफ आ रहा है, परसों से ट्राई कर रहा हूं मैं. विनय, मैं अभी भी तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूं, अंदर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है. भाभी कहीं अपने मायके या फिर तुम्हारे पेरेंट्स के घर तो नहीं गई? नहीं, वो दोनों जगह नहीं गई है, मैंने चेक किया है. और अगर जाती भी तो मुझे इन्फॉर्म करके जाती ना, और अपना फोन क्यों बंद रखती वो? तो फिर पुलिस? और सीधे सीधे मैं आपके पास चला आया सर. और ये विनय पांडे कहाँ, पटना में रहते हैं? 1 साल से पटना में ही है, ब्रांच मैनेजर है. इसके पहले उनकी पोस्टिंग यही रांची में थी. निशा भाभी और राहुल यही रहते हैं और विनय अकेले पटना में रहते हैं. सर, ये लक्ष्मण सिक्योरिटी गार्ड, इससे भी मैंने पूछा था, इसने नहीं देखा निशा भाभी और राहुल को बाहर जाते हुए. निशा पांडे जी के घर कोई आया था क्या? नहीं साहब, कोई आया होता तो एंट्री होती. विनय, पुलिस ने भी बेल बजाई, कोई रिस्पांस नहीं है. अब पुलिस दरवाजा खुलवा रही है. अभिषेक, मैं अभी के अभी पटना से निकल रहा हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है. अभिषेक यादव को अंदर बुलाओ, सिर्फ उसे. हाँ
यही है सर, निशा भाभी और राहुल। मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं ये लोग? विनय, निशा भाभी और राहुल की बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए गई है। पुलिस किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रही। तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। अभिषेक, तूने तूने खुद ने देखा निशा और राहुल को? क्या सच में निशा और राहुल नहीं रहे? मर्डर्स को 48 आवर से थोड़ा ऊपर हो चुका है, मतलब परसों 3 फरवरी। हाँ, छुरे या ऐसी किसी धार वाली चीज से दोनों के गले काटे गए। निशा का पति विनय 3 फरवरी की शाम से उसको फोन ट्राई कर रहा था, स्विच ऑफ था। 3 फरवरी की लेट सुबह मारे गए होंगे, 11 से 12 के बीच। विनय जी को बॉडी आइडेंटिफाई करनी होगी, प्रोसीजर है। विनय इस वक्त सदमे में है, किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा। पर मर्डर्स को 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। देखिए, हमें कातिलों तक पहुंचना है और विनय जी से कई सवाल भी करने हैं। लेकिन विनय तो एक साल से पटना में रह रहा है, जब ये हुआ वो तो पटना में था। घर में किसी भी तरह के फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। 2 ग्लासेस मिले हैं क्राइम सीन पर, मतलब जाहिर है कि जो कोई भी था या थे वो जान पहचान के थे। विनय, तुम्हें आइडेंटिफाई करना हो निशा भाभी और राहुल को, भूले चार लोग थे जो उस हाउसिंग कॉलोनी के नहीं थे। 3 फरवरी की सुबह उस बिल्डिंग में ये चारों दाखिल हुए थे और यही चारों हमारे पहले सस्पेक्ट्स थे। घर में जबरदस्ती घुसने की कोई निशानियां नहीं थी। अंदर टेबल पर 2 ग्लासेस मिले तो शायद इन चारों में से 2 निशा पांडे के जान पहचान के थे। एक और चौंकाने वाली बात थी सर क्राइम सीन की, कि निशा पांडे का मोबाइल फोन और उसके बदन के सारे जेवर जो के त्यों थे। क्या घर से कुछ और चोरी हुआ था? हमने विनय पांडे के साथ मिलकर पूरे घर को स्कैन किया, लेकिन ऐसा कुछ भी मिसिंग सामने नहीं आया। तो एक बात तो साफ थी कि इस डबल मर्डर के पीछे कोई भी माली कारण बिल्कुल नहीं था। एक और बात, बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज में हमें 2 लोग ऐसे नजर आए जिन्हें कोई पहचान नहीं पाया। सर, ये जो साइन कर रहा है ये है श्याम गुप्ता, और ये जो इसकी बगल में है सर, ये है जितेंद्र कश्यप। ये दोनों इंटीरियर का काम करते हैं सर। निशा पांडे के फ्लैट के ठीक नीचे वाले फ्लैट में ये दोनों काम कर रहे थे, विकास पाठक के घर। ये दोनों, ये तो मेरे घर का इंटीरियर कर रहे हैं। ये है श्याम गुप्ता और ये है जितेंद्र कश्यप। साहब, ये दोनों रोज आते हैं। और ये दोनों? नहीं सर, इन दोनों को तो मैं नहीं जानता हूँ। साहब, मुझे लगा ये दोनों इन दोनों के साथ आए हैं। मतलब तुम इन दोनों को नहीं जानते? मैंने उनसे पूछा नहीं साहब। सर, बिल्डिंग के हर फ्लैट में जाकर दोनों के सीसीटीवी ग्रैप्स दिखाए, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि ये दोनों कौन थे। बिल्डिंग में अगर दाखिल हुए हैं तो बाहर भी जरूर निकले होंगे। राइट सर, तकरीबन 11:30 बजे। एक मिनट, देखो इन दोनों की शर्ट्स चेंज हुई हैं। बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते वक्त ये वाली शर्ट्स नहीं थी, कोई दूसरी शर्ट थी अभी भी, लेकिन इनका होलिया मजदूरों जैसा ही है, हाथ में वैसे ही झोला भी है। सिक्योरिटी गार्ड लक्ष्मण की नजर से मिस हो गया सर। नहीं तो साहब, हम तो नहीं जानते तक नहीं, ये दोनों हमारे साथ तो नहीं थे। हमने पहले इन्हें कभी नहीं देखा साहब। अच्छी तरह से देखो इन्हें, ये दोनों तुम्हारे पेशे के लगते हैं। शहर में पहले कभी नहीं देखा? नहीं साहब। बिल्डिंग के किसी भी दूसरे फ्लैट में ये लोग गए नहीं, बस निशा पांडे के घर गए होंगे। कोई फोर्स एंट्री एग्जिट नहीं। घर के अंदर टेबल पर पानी के 2 ग्लास, ये पकड़कर चला जा सकता है कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ निशा पांडे के फ्लैट में ही गए थे और मर्डर के मकसद से ही गए थे। मुझे नहीं मालूम सर,
आपकी बिल्डिंग में किसी को नहीं मालूम कि ये दोनों कौन है। उस दिन आपकी वाइफ का मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले उन्होंने ना तो किसी को कॉल किया और ना ही उन्हें किसी का कॉल आया। ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने किसी को बुलाया था। लेकिन आपके घर के अंदर टेबल पर पानी के 2 ग्लासेस मिले हैं, जिससे हम ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि आपकी पत्नी निशा शायद इन दोनों को जानती रही होंगी। इन्होंने आपके घर के अंदर अपनी शर्ट्स भी बदली थी, हो सकता है खून के धब्बे लग गए हों शर्ट पर। ये लोग कौन है सर, और मेरे बीवी और बच्चे को क्यों? शायद किसी ने पुरानी दुश्मनी निकाली हो। दुश्मनी एक औरत और एक मासूम बच्चे से, वो भी ऐसे? अभी अभी 2 तारीख को ही तो बात हुई थी। जी, आप कह रहे थे 2 तारीख को बात हुई थी, फिर? सब ठीक ठाक था। राहुल अपने नए टॉय हेलीकॉप्टर से खेल रहा था। मैंने निशा से कहा कि मेरी लीव सैंक्शन हो गई है 14 से 18, घर आ रहा हूं मैं घर। विनय पांडे को हमारे बैंक में पूरे 15 साल हुए हैं। पिछले साल को ये पटना सिटी के एक ब्रांच के मैनेजर बनाए, प्रमोशन और ट्रांसफर साथ में। निशा जी और राहुल साथ में यहीं रांची में रहे? विनय यहाँ रांची की पोस्टिंग पर 3 साल पहले आया था, तब राहुल छोटा था। निशा को रांची भाग गई तो उन्होंने बच्चे का स्कूल सब यहीं करने का सोच लिया। विनय आता था महीने में पटना से। और रांची से पहले? मैडम, हमारे बैंक में असिस्टेंट मैनेजर लेवल के बाद हर 2 साल में प्रमोशन और ट्रांसफर साथ साथ ही होते हैं। विनय काफ़ी तरक्की कर रहा है, उसके ट्रांसफर भी कई जगह हुए, बोकारो, धनबाद और भुवनेश्वर भी, 2011 से 2012 जब राहुल पैदा हुआ था। राहुल भुवनेश्वर में पैदा हुआ था, लेकिन निशा जी और विनय जी ये तो बोकारो के रहने वाले हैं ना, तो निशा जी बोकारो अपने मायके क्यों नहीं गई डिलीवरी के लिए? क्यों नहीं गई ये मैं कैसे बता सकता हूँ, आप विनय से ही पूछ लीजिए। देखो साहब, आप ना इस CCTV की पहले के दिनों की फुटेज भी निकलवाओ, ये बंदे मजदूर लगते हैं, हो सकता है पहले भी कभी आए हों। अबे ओ सोमेश, अब क्या तू हमें हमारा काम सिखाएगा? पिछले 3 महीने के सारी फुटेज चेक किए, उसमें नहीं थे ये दोनों। तो कोई नहीं साहब, मैं घुमाता हूँ ये फोटो अपने खबरों के मजदूरों में। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से ग्लासेस पर निशा पांडे के फिंगरप्रिंट्स के अलावा फिंगरप्रिंट्स के 2 और सेट मिले। सर, वो निशान इन 2 हथियारों के ही होंगे। लेकिन ये दोनों पांडे परिवार से किस तरह कनेक्टेड हैं, इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं। एक बात तय है कि निशा पांडे इन दोनों को जानती जरूर थी। पत्नी और बच्चा रांची में रहते थे, पति पटना में, दोनों में से किसी का भी अफेयर्स हुए हो सकते हैं। वाइफ निशा के कॉलिकॉर्ड से ऐसा कुछ मिला तो नहीं है सर। बाकी विनय के बैंकर दोस्त अभिषेक के कॉलिकॉर्ड्स मंगवाए मैंने। इस विनय पांडे के फोन रिकॉर्ड्स खंगालो, इनसाइड जॉब की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। सर, एक बात खटक रही है, निशा और विनय की शादी 14 साल पहले हुई थी, पर उनका पहला बेटा राहुल 5 साल पहले पैदा हुआ था। हाँ, तो करियर के चक्कर में फैमिली प्लानिंग लेट क्यों? माना आजकल ऐसा काफी होता है, बट सर एक और बात खटक रही है कि निशा ने अपनी डिलीवरी भुवनेश्वर में करवाई अकेले, ना वो बोकारो अपने मायके गई और ना ही ससुराल। सर, ऐसा तो काफी कम ही होता है। शालिनी, तुम्हें इस बच्चे में कोई एंगल नजर आ रहा है? सर, एंगल का तो नहीं पता, पर एक फीलिंग है धुंधली सी। तो फिर इस धुंध को हटाओ और टटोलो, पूरी जानकारी निकालो इस कपल की और इस बच्चे की। अम्मा, एक खुशखबरी है, मतलब सबसे बड़ी खुशखबरी, अम्मा निशा प्रेग्नेंट है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये तो वाकई सबसे बड़ी खुशी की बात है। तू बस आज के आज निशा को लेके बोकारो आ जा। अरे अम्मा, ऐसे कैसे? मैं कह देती हूँ, तेरी एक ना सुनूंगी मैं। यहाँ मैं और निशा की माँ दोनों मिलकर माँ और बच्चे का ऐसा ध्यान रखेंगे कि सब याद रखेंगे। नहीं नहीं निशा, ना अब हम तुम्हारी कोई बात सुनेंगे और ना ही जमाई बाबू की। तुम आ रही हो मतलब आ रही हो,
लेकिन माँ डॉक्टर ने सफर करने से मना किया है ना। ये तुमने सही नहीं किया निशा, 5 महीने बाद हमें बता रहे हो बेटा। आपको तो पता है ना माँ, कॉम्प्लिकेशंस पहले से ही थी। जब डॉक्टर ने कहा कि आप बता सकते हैं तो सबसे पहले आप ही को बताया है। चलो कोई बात नहीं, देखो बेटा अब तुम फ्लाइट व्लाइट करो, कुछ भी करो, लेकिन आना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तो आप भुवनेश्वर गई गंगा जी? दरअसल वो दोनों ही मना करते रहे, कह रहे थे सब इंतजाम है, पानी की जरूरत नहीं है। राहुल अचानक से 1 महीना पहले ही आ गया और हम लोग जाएं ना जाएं बस इसी में ही लगे हुए थे, और फिर डिलीवरी के बाद हम तुरंत उसके पास गए। हम सब कितने खुश थे, पोता हुआ था हमारा। पूरे 9 साल क्या क्या नहीं सहा, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, कितने डॉक्टर्स, कितनी दवाइयां, कितनी दुआएं, मन्नतें, व्रत, उपवास। जब हम भुवनेश्वर गए थे ना, कितनी खुशी थी मेरे बेटे और बहू के चेहरे पर, और अब ये। सर विनय के उस बैंकर दोस्त अभिषेक के गोल्ड रिकॉर्ड्स तो क्लीन निकले। उन दोनों हथियारों की फोटो दिखाया उसे? यस सर, मैंने दिखाया। सर उसका भी यही कहना है कि वो उन दोनों को नहीं पहचानता है। अगर हर कोई यही कह रहा है कि वो नहीं पहचानते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई है जो झूठ बोल रहा है। सर सच कहूं तो झूठ और झोल, ये दोनों मुझे इस बच्चे की डिलीवरी को लेकर ही लग रहा है। सर देखिए, 9 साल पहले फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स टेस्ट शुरू हुए, काफी फ्रस्ट्रेशन हो गया होगा, और उसके बाद निशा प्रेग्नेंट हुई। सर पूरे 5 महीने तक निशा ने ये बात किसी को नहीं बताई। सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? और ऊपर से डिलीवरी के टाइम ना वो अपने मायके बोकारो गई, और ना ही वहां से किसी को उसने आने दिया, और ना ही ससुराल वालों को। सर वो ऐसा क्यों करेगी? जैसा कि आजकल काफी होता है, गर्भ किसी और औरत ने धारण किया होगा, सरोगेसी, और ये लोग इस बात को पर्सनल रखना चाहते होंगे, उन्हें दुनिया को नहीं बताना था। यस सर, बट कम से कम पेरेंट्स, माँ तो दुनिया नहीं होती ना सर, इसीलिए डाउट जा रहा है। सर मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे जो सच दिख रहा है मैं वही कहना चाहता हूँ। यही ना कि राहुल इन दोनों का बच्चा नहीं लगता। राइट सर। ये बात मैंने भी नोटिस की थी जब मैंने राहुल और उसकी माँ को पोस्टमार्टम रूम में देखा था। बच्चे की आंखें, उसकी नाक, बल्कि उसका रंग निशा से बिल्कुल अलग थे। सर मुझे लगता है ये सारा मामला कहीं ना कहीं इस बच्चे से जुड़ा हुआ है। डीप जाते हैं और पता करते हैं कि वाकई में इस एंगल में कोई सच्चाई है या नहीं। 5 साल पहले ये पांडे जोड़ा भुवनेश्वर में कहाँ रहता था, क्या हुआ था? मैडम थोड़ा नहीं, काफी कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। सब कुछ बताओ शांता। मैडम यहाँ की जय जगन्नाथ कॉलोनी में रहते थे ये विनय और निशा पांडे 2011 और 12 में। मैं पड़ोसियों से मिली, घुमा फिराकर 4-5 औरतों से बातचीत भी की। और मैडम ये कि हमारे पास शक करने जैसा काफी कुछ है। बच्चे के बारे में? हाँ मैडम, पड़ोस की किसी भी औरत ने निशा को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान घर से बाहर आते जाते नहीं देखा। मैंने मैटरनिटी होम चेक करने के लिए बोला था, वो किया? हाउसिंग कॉलोनी के आसपास 15 छोटे बड़े प्राइवेट क्लिनिक और नर्सिंग होम गई थी, कुछ नहीं मिला मैम। शांता और ढूंढो। भुवनेश्वर बड़ा शहर है, यहाँ कई हॉस्पिटल और मैटरनिटी होम्स हैं, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो एक ही है जहाँ सारे जन्म और मौत के रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन मैडम 2011 से 2012 के बीच यहाँ पर किसी भी विनय पांडे और निशा पांडे के बच्चे का रिकॉर्ड नहीं मिला। तो फिर ये बच्चा आया कहाँ से? खबर मिली है कि इनके घर पे एक नौकरानी काम करती थी, रुक्मणी नाम की। क्या इस बच्चे का राज इस डबल मर्डर का राज खोलेगा? सर इस बच्चे का जन्म एक मिस्ट्री है जरूर, लेकिन इसका डायरेक्टली डबल मर्डर से कनेक्शन होगा ये कहना इतना भी आसान नहीं है। सर हमारा ये काम कांस्टेबल शांता आसान कर रही है। सर वो उस मेड रुक्मणी के बारे में पता कर रही है। सर शायद ये बच्चा विनय और निशा का नहीं है। लेकिन इन दोनों हथियारों का क्या, ये क्या वहाँ कोई
पर्सनल दुश्मनी निकालने गए थे? सर, इन दोनों ने मोबाइल जेवर कुछ भी नहीं चुराया, मतलब चोरी के लिए तो बिल्कुल नहीं आए थे। एक बात तो तय है कि निशा इन दोनों को जानती जरूर थी, वरना वो दरवाजा खोलकर उन्हें घर में बैठाकर पानी क्यों पिलाती? कहीं ऐसा तो नहीं कि विनय हमसे कुछ छुपा रहा है? सर, मैं चाहता हूं कि निशा और राहुल के हथियारे पकड़े जाए और उन्हें सजा भी मिले, पर तब तक मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा जहां उनकी इतनी भयंकर हत्या की गई थी, वो भी सिर्फ एक हफ्ते पहले। लेकिन इस वक्त इन्वेस्टिगेशन काफी नाजुक स्टेज पर है, इसलिए आपका शहर में होना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो कहीं और शिफ्ट कीजिए, पर प्लीज अभी शहर मत छोड़िए। पुलिस कह रही है उन दोनों के लिए दरवाजा खोला गया, उनको पानी दिया गया, उन्होंने पिया और फिर मार डाला हमारी बहू को और राहुल को। पुलिस ने यह बात मुझसे भी कही है, कई बार कही है। अब आप मुझे यह बात क्यों कह रही है मां? पर निशा उन दोनों को कैसे जानती थी? मुझे क्या मालूम, मैं तो एक साल से पटना में हूं, मजदूर लगते हैं दोनों, किसी काम से बुलाया होगा पहले कभी, फिर उस दिन भी दोबारा शायद किसी काम से ही बुलाया होगा, और क्या। आ गई मां। रुक्मणी, मैं कांस्टेबल शांता। जी मैडम। 5 साल पहले यहाँ विनय और निशा पांडे रहते थे, तुम काम करती थी ना उनके यहाँ? हाँ जी। 2 साल थे वो यहाँ, तुम पूरे 2 साल थी उनके साथ? जी। निशा पेट से थी और यहीं भुवनेश्वर में उसने अपने बच्चे को जन्म दिया? जी मैडम, राहुल नाम रखा था उस बच्चे का, बड़ा प्यारा बच्चा है। लेकिन बात क्या है, निशा पांडे और बच्चे राहुल दोनों का कत्ल हो गया है रांची। देखो रुक्मणी, जो जो जानती हो सब बता दो। विनय जी, क्या आप राहुल के पिता हैं? ये कैसा बेहुदा सवाल है? सवाल सीधा है, ये केस बेहुदा है। दोबारा पूछ रहा हूं, क्या राहुल आपका और निशा जी का बेटा था? उन 2 सालों में भुवनेश्वर के किसी भी हॉस्पिटल में या म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में सबूत नहीं है कि निशा और विनय का कोई बच्चा हुआ था। लेकिन एक लोकल डॉक्टर, डॉक्टर नीलोश्री जैना, अमूल्य चौकी, डॉक्टर नीलोश्री जैना से हमें सबूत मिलते हैं कि उस दौरान तुम प्रेग्नेंट थी रुक्मणी साहू, और तुम जो दावा करती आई हो कि उस प्रेगनेंसी का जो बच्चा था वो मर गया, उसका भी कोई सबूत नहीं है। वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था मैडम। तो डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, जो नहीं है। और तुमने हमसे झूठ बोला कि निशा प्रेग्नेंट थी, बल्कि तुमने हमें यह नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट थी। देखो रुक्मणी, हमें पूरा शक है कि निशा का राहुल दरअसल तुम्हारा बच्चा है, और अब जब निशा और राहुल दोनों का मर्डर हो चुका है और तुमने हमें सच नहीं बताया ना, तो हम ये मानकर चलेंगे कि निशा और राहुल के कत्ल में तुम्हारा भी हाथ हो सकता है, तो सोच लो। क्या ताल्लुक है इस बात का इन मर्डर से? विनय जी, हर चीज का हर चीज के साथ ताल्लुक होता है, और इन्वेस्टिगेशन में हर ताल्लुक के बाल की खाल निकाली जाती है, तब जाके सच्चाई सामने आती है। फिलहाल मुझे सिर्फ ये सच जानना है कि मेरी बीवी और बच्चे को किसने मार डाला, और मुझे आपके झूठ के पीछे का सच जानना है। आपने क्यों नहीं बताया कि राहुल आपका और निशा जी का बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? विनय जी, बात को घुमाने या छुपाने से कोई फायदा नहीं है। हम लोगों ने राहुल की बायोलॉजिकल मदर को ट्रेस कर लिया है भुवनेश्वर में। रुक्मणी साहू, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने राहुल को रुक्मिणी से 3 लाख रुपए में खरीदा था? मैं अपने बच्चे को बेच कैसे सकती हूँ साहब?
नहीं रुक्मिणी, हम तुम्हारा बच्चा खरीद नहीं रहे हैं, हम बस तुम्हारे बाकी दो बच्चों की परवरिश के लिए एक छोटी सी गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब मदद कर रहे हैं तुम्हारी। देखो रुक्मिणी, जगन्नाथ ने तुम्हें दो दो सुंदर और स्वस्थ बच्चे दिए हैं, तुमने तो देखा है हमने क्या क्या नहीं किया बच्चे के सुख के लिए, लेकिन अब डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है, मेरी कोख में बच्चा ठहर ही नहीं सकता। रुक्मिणी, हम इस बच्चे को पूरी तरह से अपना लेंगे, उसे सबसे अच्छी परवरिश देंगे, उसकी हर मांग पूरी करेंगे, ये मेरा वादा है तुमसे, प्लीज एक बार इसके बारे में सोचो, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, प्लीज। मेरा पति दिहाड़ी मजदूर है मैडम, जिस दिन काम मिला उस दिन चार पैसे घर आते, मैं घर कामों से उस बच्चे को उतनी अच्छी परवरिश नहीं दे पाती जो वो लोग देने के लिए तैयार थे, और वो 3 लाख भी देने को तैयार थे। नाना मैडम, मैंने पैसे के लिए नहीं बेचा था अपने बच्चे को, मैंने बस सोचा कि मेरे बाकी के दो बच्चों को दो मुट्ठी और चावल मिलेगा, बस जगन्नाथ की कसम, मैंने पैसे के लिए नहीं बेचा था उसको। गोद लेने का प्रोसीजर लंबा होता है, ऊपर से हम किसी को, मतलब किसी को बताना नहीं चाहते थे कि राहुल हमारा खून नहीं है, खुद राहुल को भी नहीं, ये राज सिर्फ निशा और मेरे बीच रहने वाला था। मैं पागलों की तरह तरसता था दोनों के लिए, हर पल यही सोचता था कि काश वो दोनों मेरे साथ पटना में होते, इतने सपने देखे थे मैंने उन दोनों के लिए, लेकिन आज वो दोनों मेरे लिए सपना बन गए, एक भयंकर सपना। क्या ये भयंकर सपना आप ही ने रचा था विनय पांडे? क्या कहा आपने? क्या निशा और राहुल का कत्ल आपने करवाया? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात पूछने की? मैनेजर साहब, हमारी हिम्मत को साइड में रखिए, आप सिर्फ सवालों के जवाब देने की हिम्मत जुटाइए। आप इतना घिनौना इल्जाम मुझ पे कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि हरकत ही इतनी घिनौनी हुई है। नहीं देखिए विनय जी, ये दोनों हत्यारे कोई अजनबी नहीं थे, शायद निशा जी इनको जानती थी। कैसे जानती थी? मुझे कैसे पता, मैं तो पटना में था ना। तो पटना से सुपारी दी होगी, भेज दिया होगा उन दोनों को निशा और राहुल का कत्ल करने के लिए। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, हमें सिर्फ ये जानना है कि ये रॉकेट फायर क्यों हुआ, कौन सा ऐसा कारण था जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा और भयंकर कदम उठाया और अपनी पत्नी के साथ साथ उस मासूम बच्चे को भी मार डाला, जो भले ही आपका खून ना हो लेकिन एक 5 साल का मासूम बच्चा तो था। शट अप, जस्ट शट अप, ओके? दोबारा कभी ये बात मुझसे मत कहिएगा कि वो मेरा बच्चा नहीं था। अरे आपको हमारी एक प्राइवेट बात क्या पता चल गई कि राहुल को हमने गोद लिया था, तो अब आप ये कहेंगे कि राहुल मेरा बच्चा ही नहीं था? मारा क्यों विनय पांडे? नहीं मारा, अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था मैं दोनों को, क्या सिर्फ पैदा करने से बच्चा अपना हो जाता है? बच्चे की परवरिश जरा भी मायने नहीं रखती है क्या? मारा क्यों? आप जैसे लोग ना, जिनके आसानी से बच्चे हो जाते हैं, हम जैसे लोगों का दर्द कभी नहीं समझेंगे। वो 9 साल टॉर्चर थे हमारे लिए, लेकिन सिर्फ हम दोनों का प्यार हमारी ताकत थी। निशा और मैंने हर दर्द एक साथ झेला, हर दम मौजूद थे एक दूसरे के लिए, उन सारी टेस्ट के दौरान, उन सारे मन्नतों के दौरान, मंदिर दरगे हॉस्पिटल्स लेबोरेटरीज के चक्कर काटे हमने एक दूसरे को कसकर पकड़कर। उन 9 लंबे सालों के बाद हमारी जिंदगी में राहुल आया। इम्पॉसिबल, विनय को मैं पिछले 15 सालों से क्लोजली जानता हूं, पटना पोस्टिंग के बाद भी उसके काम में कोई कमी नहीं आई। हाँ, लेकिन विनय को अपने परिवार की कमी खाई जा रही थी। सर ये कैसा सवाल है? वो दोनों राहुल पर जान छिड़कते थे और अभी आप लोगों से पता चल रहा है कि वो उनका अपना खून नहीं था, पर फ्रैंकली सर ये मैटर कैसे करता है? मानसिक हालत? हेलो सर, विनय पांडे एक सीनियर बैंक ऑफिसर है। विनय जब हर महीने 2-4 दिनों के लिए आया करता था तो क्या उसके और निशा के बीच कोई झगड़ा होता था? अगर आपके कहने का मतलब है कि जोर जोर से चिल्लाना, मारपीट वगैरह, तो मेरा आंसर है नो। निशा अकेलापन तो महसूस करती थी, पर वो हर लॉन्ग डिस्टेंस जोड़ा करते ही है ना सर। लेकिन निशा ने आपके साथ कभी कुछ शेयर किया अपनी शादी की किसी प्रॉब्लम के बारे में? कभी नहीं, दरअसल उनके बीच बहुत प्यार था,
जो अक्सर बच्चा आ जाने के बाद जोड़ों के बीच कम हो जाता है। तो बच्चे को लेकर कोई खटास? बच्चे को लेकर खटास? सर क्या बात कर रहे हैं आप? सर इन दोनों पर अभी तक खबरियों से कोई भी इनपुट नहीं आया है। और सर ये दोनों हिस्ट्री शीटर भी नहीं है। लेकिन ये दोनों निशा पांडे को जानते थे और डेफिनेटली विनय भी इन दोनों को जानता है, बस हमसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सर विनय के बैकग्राउंड चेक में एक भी आदमी ने ना तो विनय के बारे में ना ही उसकी शादी के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोला है। दरअसल इन दोनों की जिंदगी काफी सेटल थी, बैंक की टॉप सैलरी है सर, बोकारो में एक फ्लैट है, यहाँ रांची में एक कार है, पटना में एक कार है। मतलब अगर ऐसे ऊपर से देखने जाए तो इस परिवार में काफी खुशहाली दिखती है सर। और सर मैंने इस विनय और निशा के फोन रिकॉर्ड्स को 10 बार खंगाला, किसी भी तरह के अफेयर शफेयर की कोई बू भी नहीं आई, ना ही पति की और ना ही पत्नी की। तो फिर क्या है, ऐसा कौन सा एंगल है जो हमसे मिस हो रहा है? निशा की बॉडी पर गहने इंटैक्ट, मोबाइल फोन इंटैक्ट, कबर्ड में से कोई सामान चोरी नहीं हुआ, बस माँ और बेटे का गला काटा गया, लेकिन उसके पहले दोनों हथियारों ने पानी पिया जो कि बिल्कुल भी पेशेवर नहीं है। अगर होते तो ए मोडस ऑपरेंडी कुछ अलग होती और बी घर का सारा कीमती सामान चुरा कर ले जाते ताकि हमें लगे कि यह केस रॉबरी कम मर्डर का है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली निशा उन दोनों को जानती थी, वरना वो घर का दरवाजा खोलकर उन्हें घर में बिठाकर पानी क्यों पिलाती? राहुल पापा ने क्या कहा था, ये हेलीकॉप्टर गार्डन में चलाने के लिए है, घर पर नहीं। अगर क्रैश हो गया तो दूसरा नहीं मिलेगा। बेटा राहुल बंद करो ना, मम्मी बात नहीं कर पा रही है। मम्मी बस लास्ट राउंड लास्ट राउंड। निशा को कोई आइडिया नहीं होगा कि उस पर अटैक होने वाला है और बच्चा तो खैर। शायद ये दोनों खास निशा और बच्चे को मारने आए थे सर, मतलब भेजे गए थे। सर मैंने भुवनेश्वर में राहुल की बायोलॉजिकल मदर रुक्मणी और उसके हस्बैंड इन दोनों का बैकग्राउंड चेक कराया। सर सीधे साधे लोग हैं, दो वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो सर खुद के पैदा किए बच्चे को मरवाने के लिए किसी पेशेवर हत्यारे को कैसे हायर करेंगे और क्यों? लेकिन पता नहीं क्यों मेरे शक की सुई इस विनय पांडे पर जाके अटक गई है। लेकिन सर उसके खिलाफ तो हमारे पास एक सुई जितना भी सुराग नहीं है। वही तो, बंदा सीनियर बैंक मैनेजर है, तगड़ा दिमाग है, बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से इस विनय पांडे ने सारे सुराग और सबूत कवर अप किए हैं। बस ये पता चल जाए कि क्यों मार डाला इसने अपनी बीवी और बच्चे को। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हमारा मुजरिम विनय पांडे ही है। अकेलापन मुझे अकेला ही नहीं छोड़ता है निशा, दिन तो जैसे वैसे काम में कट जाता है लेकिन शाम होते ही कुरेदने लगता है मुझे और रातों को मेरा गला घोटता है, कुछ भी खाना गले के नीचे उतरता ही नहीं है। जिंदा रहने के लिए नूडल्स बना लेता हूँ। जरा दूर का सोचो, यहाँ रांची में राहुल के लिए सब कुछ सही है, स्कूल, उसके दोस्त, हमारा मोहल्ला। लेकिन हमारा क्या? हमारा क्या विनय, हमने 9 साल हर एक मिनट साथ गुजारा है। काश वो वक्त वापस आता जब तुम मेरे लिए भी वक्त निकालती थी। अब हम पेरेंट्स हो गए हैं, हमारे रोल्स चेंज हो गए हैं। ये पेरेंट्स होते ही एक कपल के बीच सब कुछ क्यों खत्म हो जाता है? आपसे किसने कह दिया कि हमारे बीच कुछ नहीं रहा? ये हमारा प्यार ही तो है जो हम राहुल में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि हमने गलत इन्वेस्टमेंट की है। क्या लगता है? इस बच्चे ने हम दोनों को दूर कर दिया है। राहुल ना होता तो तुम मेरे पास होती। विनय, राहुल नहीं आता अगर जिंदगी में तो वो दुख और वो दर्द हमारे प्यार पर हावी हो जाता एक दिन। सच तो यह है कि तुम राहुल में इतना खो चुकी हो कि तुम्हें याद नहीं आता हम पहले एक साथ कितना वक्त बिताते थे। ऊपर से मैं इतना कमा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पर जिंदगी से जीरो रिटर्न आ रहा है। नेगेटिव में जा रहा है सब कुछ। नेगेटिव आपकी सोच होती जा रही है। विनय, आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप जो कमा रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब हमारे लिए ही है ना? खुद के लिए, मेरे लिए, राहुल के लिए है। जो हमारा है ही नहीं। हेलो विनय, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्यों? ना बोलने से सच बदलेगा क्या? ना बोलने से मेरा अकेलापन, मेरा दर्द कम होगा क्या? विनय, हम जो सोचते हैं वही कहते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वो हम हो जाते हैं। और इस वक्त मुझे आपकी सोच में स्वार्थ नजर आ रहा है। इतने सेल्फिश कब से हो गए आप? विनय प्लीज, आप इस तरह मुझ पर प्रेशर मत डाला कीजिए। और ये अकेलापन मुझ पर जो प्रेशर डाल रहा है उसका क्या? टैकल करिए उसे, अपने आप को बिजी रखना सीखिए। लेकिन मैं पटना नहीं आ रही हूँ। क्योंकि मैं पटना में हूँ? क्योंकि बहुत जल्द आप पटना में नहीं रहोगे विनय। हर 2 साल में आप अलग अलग शहरों में रहते हो। राहुल की स्टेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है इस वक्त। राहुल का सब कुछ इम्पोर्टेंट था, है और रहेगा। मैं तो हूँ ही नहीं ना। राहुल के साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हैं आप, अपने ही बेटे के साथ? क्या हो गया है आपको? मुझे नहीं पता क्या हो गया है मुझे, पर मुझे पता है तुम्हें क्या हो गया है। तुम एक दोस्त, एक प्रेमी, एक पत्नी थी कभी, अब सिर्फ माँ हो, वो भी ऐसे बच्चे की जो। प्रणाम साहब। ये क्या बात कर रहे हैं साहब, खुद का बीवी और बच्चे को? सब ठीक तो है ना साहब? क्या ठीक है क्या नहीं ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। 4 लाख दे रहा हूँ, मेरा काम हो जाना चाहिए। कहाँ करना है साहब, कब करना है? रांची, एड्रेस दे रहा हूँ। लेकिन तुम दोनों मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं करोगे, ना ही मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। ये रहे आधे पैसे, बाकी काम हो जाने के बाद यहीं पे तैयार रखूँगा। जीवन, सुरेश, दोनों यहाँ पर अचानक? मैडम, वो रांची आए थे किसी काम से, तो विनय बाबू से पता चला कि आप और बबुआ यहीं रहने आए हैं, तो हाँ। तो हम सोचे आपसे मिल आते हैं, कोई फर्नीचर का काम हम हो तो बता दीजिए। फर्नीचर का तो अभी कोई काम है नहीं, पर इतनी दूर से आए हो, चाय नाश्ता करके जाना। आजा आजा, अंदर आजा। जीवन और सुरेश, सर आप इन दो हथियारों तक कैसे पहुंच पाए? हम लोगों ने इस केस में कुछ किया नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो हमारा केस स्टेटस ज्यों का त्यों था, कोई लीड नहीं, कोई एविडेंस नहीं। एविडेंस कुछ चलकर हमारे सामने आया इस डबल मर्डर के ठीक 3 हफ्ते बाद। ये रात को दरवाजा खुला छोड़ा था तुमने? हाँ साहब, गलती से कल बंद नहीं किए थे। लेकिन तुम भी तो अंदर सोए थे, तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी? नहीं ना साहब, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सुबह उठे तो देख के जीजा पर सुरेश ऐसा मरा पड़ा हुआ है। सर, 4 डंडों में सब कुछ उगल दिया उस जीवन ने। उसने मर्डर किया अपने जीजा सुरेश का। चल बता, क्यों मारा अपने जीजा सुरेश को तूने? जीजा है तो क्या हुआ, कुछ भी करेगा। चीटिंग कर रहा था हमारे साथ, हमारा पैसा नहीं दे रहा था साहिब। कितने पैसों की लड़ाई थी जो कीमत तूने उसकी जान लेके वसूली? बहुत सारा पैसा था। कितना? 1। क्या 1? लाख। तूने अपने जीजा को 1 लाख उधार दिया था? देखो जीवन, दिमाग ना चाटो, हम कह रहे हैं तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। साहब ने पूरा पैसा दिया था तुम्हारे हाथ में, तुम हमको दिए हो 1, बाकी का हिस्सा चाहिए अभी का अभी। अभी का अभी लगा रखा है? हम बोले हैं ना कि हम 1 रखा हूँ, बाकी का 2 कहीं लगाया है, जब आएगा तो मिल जाएगा तुम्हारा 1। तो जहाँ लगाया हो वहाँ के ब्याज में से दोगे आधा हिस्सा? नहीं दोगे जीजा, तुम 4 क्लास पढ़े हो तो हम भी 2 क्लास पढ़े हैं, बुड़बक नहीं है हम। बतिया तो बुड़बक की तरह ही रहे हो, जब हम बोल रहे हैं मिल जाएगा पैसा तो फिर काहे कुत्ते की तरह भौंक रहे हो? 3 हफ्ता हो गया है, अभी सिर्फ भौं भौं कर रहे हैं,
नहीं तो काट लेंगे। ये धमकी बमकी है ना, किसी और को देना, भरोसा नहीं है हम पर, रत्ती भर भी नहीं है। तो फिर बैठो चुपचाप। हमको मालूम था वो हमारा पैसा नहीं देगा, चालाकी करेगा हमारे साथ। ऐसा गुस्सा आया कि रात में हथौड़ा उठाए और माथा पड़ती है बस। पहला वार करने के बाद दिमाग सुन हो गया था हमारा, हम वार करते गए सारा भड़ास निकल गया साहब। ऐसा कौन सा फर्नीचर बनाया तूने जो किसी साहब ने तेरे को 4 लाख मजदूरी दी? बोल बोल। पीयूष नगर थाना बोकारो से सब इंस्पेक्टर उदय ठाकुर बोल रहा हूँ सर। हाँ उदय बोलो। सर आपका एक डबल मर्डर केस है, निशा पांडे और उसका बेटा राहुल पांडे। हाँ वो डेड एंड पर है अभी, कोई लीड नहीं मिली हमें। तुम्हें कोई लीड मिली? सर आपको लीड नहीं, कातिल दे रहे हैं। कौन है? सर ये बोकारो के दो मिस्त्री हैं, जीवन प्रसाद और उसका जीजा सुरेश झा। इन्हें 4 लाख की सुपारी दी थी निशा के हस्बैंड विनय पांडे ने। मतलब हमारा शक सही निकला। जी कुछ पता चला? बिल्कुल पता चला विनय जी, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक पकड़ा गया है। जीवन प्रसाद ने सुरेश झा का मर्डर कर दिया 4 लाख के बंटवारे के लिए। आपकी और निशा दीदी की दलीलें सुन के दिल मेरा पिघल गया था। कलेजे पे पत्थर रख के मैंने अपना बच्चा आपको दिया था। मैंने क्या किया? आपकी सोने की थाली से बेहतर तो मेरे हाथ के दो निवाले होते, बच्चा मेरा जिंदा तो होता। अकेलापन, अकेलापन भी कोई मोटिव होता है मर्डर का? उसे लगा कि गोद लिया हुआ बच्चा उसके और उसकी पत्नी के बीच आ रहा है। आर यू श्योर? कोई और कारण नहीं था इस विनय पांडे का? कोई अफेयर, कोई दूसरी औरत? नो, कोई अफेयर नहीं था, कोई दूसरा कारण नहीं था। कत्ल प्लान करते वक्त तो यह आदमी डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार था, लेकिन पकड़े जाने के बाद उसे अपने किए पर पछतावा था। क्रिमिनल दिमाग भले ही प्लानिंग अद्भुत करता हो, लेकिन जुर्म के इमोशनल नतीजों के बारे में वो सोचता नहीं, या फिर शायद सोचने की ताकत ही खो देता है। अब इस विनय पांडे को ही ले लीजिए, लगभग परफेक्ट क्राइम कर गया था बंदा, लेकिन जिस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने एक नहीं बल्कि दो दो मर्डर्स किए, क्या वो दूर हुआ? नहीं। क्या पछतावे से वो कभी कम होगा? कभी नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।